नमस्कार दोस्तों, आज हम गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में हैं। एक्रेस इंडिया का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। 22वें एडिशन में यहाँ पे एयर कंडीशनर और वेंटिलेशन के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। नई नई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पे इन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं योगेश मुद्रास जी। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी कंपनियाँ उपलब्ध आपने स्टॉल लगवाई है और क्या क्या विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी दर्शकों को मिलेगी देखने को। सो ये जो शो हो रहा है, ये 3 साल के बाद हो रहा है। ये लास्ट हुआ था 2020 में, दिल्ली में हुआ था, और ये बहुत इसकी रिक्वायरमेंट ही ये शो की होने की अभी 3 साल के बाद हो रहा है। 450 से ज़्यादा कंपनियां आई हुई है ये शो में। ये शो में स्प्रेड और 36,000 स्क्वायर मीटर्स, इतना बड़े एरिया पे स्प्रेड शो है, और अटेंडीज और 3 डेज हम लोग 35,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री के अटेंडीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा कंट्रीज से ये अटेंडीज आ रहे हैं ये शो में। अगर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज आप, ग्रीन हाउस एमिशन्स कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन्स कम हो, क्लीनर एनर्जी सोल्यूशन हो, एनर्जी कंजर्विंग हो, जैसे पावर रिक्वायरमेंट कम हो, 5-स्टार रेटिंग से प्रोडक्ट्स हो। सो ये सारी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डिस्प्ले पे है ये शो में। सर, इंडिया में इन्वायरमेंट का जो है, अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है, तो ऐसे में जो ए इंडस्ट्री है, एयर कंडीशन इंडस्ट्री, कितना इस एग्जीबिशन से उसको फ़ायदा होने वाला है? तो डेफिनेटली आई थिंक अलग अलग इंडस्ट्रीज देखेंगे। आज इंडिया में बहुत सारी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर एक में एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट। आप देखो, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखो, कॉर्पोरेट देखो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखो, आपका एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, हर जगह पे एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। और ये जो बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लगे, ये बूथ्स लगे, ये सारे वो उतनी रिक्वायरमेंट सफाइस करेंगे। ये सेक्टर अराउंड 15% CAGR से ग्रो हो रहा है हर साल, और ये हमारे जैसे जो शो हो रहा है अक्रैक जैसे, वो सेक्टर को और बढ़ोतरी देंगे। सर, मेक इन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर जी चला रहे हैं प्रोग्राम, उसके लेकर के आप इतना मेहनत भी कर रहे हैं एग्जीबिशन को लेकर, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में जो इंडियन मार्केट्स है एयर कंडीशन का, कितना ग्रोथ करेगा? तो जैसे बोला, इंडस्ट्री ये अराउंड 15% CAGR से ग्रो हो रही है, बट ये इंडस्ट्री एक यूनिक है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो MNCs जो ये इसमें काम करते हैं, फॉरेन कंपनी, सारे इंडिया में बेस्ड है, और ये यहाँ पे इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रही है। सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रूली इन द सेंस अ मेक इन इंडिया सेक्टर, जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। इसलिए 40 से ज़्यादा कंट्री से अटेंडीज आए, जो यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके अपने अपने कंट्रीज में भी वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। सो एक ट्रूली मेक इन इंडिया सेक्टर है। तो आप सुन रहे थे, योगेश मुद्रास जी हमारे साथ थे, वो बता रहे थे किस तरह से यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ पे 40 देशों की लगभग 400 से अधिक कंपनियाँ यहाँ पे भाग ली हैं, और आने वाले दिनों में इंडिया को इस एग्जीबिशन से काफ़ी फायदा होने वाला है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।